हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी के इस नंबर वन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अमित चंद्रा, योर इंग्लिश मेंटर। और आज हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं वोकैब बूस्टर की पर्टिकुलर क्लास, और आज है लेक्चर 47 माय डियर। ठीक है, तो देखिए क्या कुछ है इस पर्टिकुलर सेशन में। गला पूरे तरीके से बैठ चुका है, लॉन्ग और ये सारी चीजें काम चल रहा है ना। देखते हैं क्या कुछ है इस पर्टिकुलर सेशन में। अच्छा देखो, सबसे पहली चीज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ जी, अन अकेडमी लर्निंग ऐप शायद ही कोई बच्चा हो ऐसा जिसने इंस्टॉल ना किया हो, लेकिन अगर आपने फिर से भी नहीं किया है तो बिल्कुल इंस्टॉल करके, और वहां पर एसएससी एग्जाम्स को सेलेक्ट करने के बाद सर्च कीजिएगा अमित चंद्रा और मुझे वहां पर फॉलो कर लो। फॉलो करने से फायदे क्या है जान लो। मास्टर इन इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही है, सुबह 10 बजे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलने लगेगा। मास्टर इन इंग्लिश वोकैबुलरी की क्लास चल रही है, रात में 9 बजे उसका क्लास आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्री में क्लासेस चल रही है बच्चे, और फ्री में जो क्लासेस होती हैं उसका उपयोग आपको करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोग पूरा स्ट्रक्चर्ड जो है कि कोर्सेज की डिमांड कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स वैसे कह रहे थे, तो देखिए आपको 12 मंथ का एटलीस्ट जो है कि एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो है वो अवेल कर लेना चाहिए था। 6000 रुपीज इसका अमाउंट है बच्चे, जो कि आपको मिल जाएगा 5400 रुपीज में 10% के डिस्काउंट के साथ, और वो डिस्काउंट मिलेगा आपको अमित 11 का कोड डालते ही। आप जाकर के चेक करिएगा एक बार, अमित 11 का कोड डालिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट दिखेगा, ठीक है। ये वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिएगा पहला वर्ड जो आपके सामने आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डिक्री। डिक्री का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर उंगलियां उठा रहे हैं लोग एक दूसरे के ऊपर, है ना। डिक्री का मतलब क्या, क्रिटिसाइज करना, दोष लगाना किसी भी चीज का किसी भी कारण से, ठीक है। क्राई या क्रिटिसाइज करना, तो अपने विरोधी, आपके विरोधी बस रो रो कर आपको दोष लगाते हैं, लगा सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। डिनाउंस कह सकते हैं, कंडेम्ड कह सकते हैं, ये आपके सिनोनिम की तरीके यूज होगा। एंटोनिम बहुत अच्छा सा है, प्रेज या एडमायर, तो दे डिक्राइड ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस। नेक्स्ट है आपके सामने सकड़। सकड़ एक नाउन की तरीके यूज होता है, इसका मतलब होता है रिलीफ, विपत्ति में सहायता प्रदान करना। सकर्स मतलब वारिस, सक्सेसर बोलते हैं ना वारिस को, जो आपके जैसे मान लीजिए कि पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है कि उस गद्दी पर बैठेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसर, मतलब वारिस आपका। तो आपका वारिस ही आपको, यहाँ पर आपको होना चाहिए, आपको, ठीक है, विपत्ति में सहायता करता है, ठीक है, रेस्क्यू करता है, प्रोटेक्ट करता है। एंटोनिम देख लीजिएगा, तो पेरिल, हर्ट या हार्म। तो द वुंडेड हैड लिटिल चांस ऑफ सकर, बचने का बहुत कम चांस है। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने स्ट्रैंगल होल्ड का मतलब होता है आपका गला घोट देना, ठीक है। गला घोट देना भाई, याद रखो, गला घोटने वाली बात आपको बहुत अच्छे से याद होगी, SSR वाली बात। स्ट्रिंग और स्ट्रेंजर, क्लियर है ना। तो उस स्ट्रेंज इंसान ने उसका गला घोट दिया, एकदम अनजान व्यक्ति ने उसका क्या कर दिया, उसका गला घोट दिया और उसको उसको मृत्यु के घाट उतार दिया, ठीक है। चोक हो गया उसका गला, पगरी कह सकते हैं। अच्छा एंटोनिम जो होगा ये आपको मुझे बताना है, ठीक है, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, और कमेंट आपको कैसे करना आपको पता है। तो इन फ्रांस सुपरमार्केट्स हैव लेस ऑफ अ स्ट्रैंगल होल्ड ऑन फूड सप्लाईज। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने वैंडलाइज। वैंडलाइज एक वर्ब की तरीके यूज होता है, इसका मतलब होता है स्मैश, तोड़ना, तोड़ फोड़ मचाना। देखिए सपोज दैट कि इस लड़की का ब्रेकअप हो गया, तो जिसके वजह से उसने क्या कर दिया, शीशा पूरे तरीके से तोड़ दिया। वैन डाली ट्विग, तो वन पर डाली फेंक फेंक कर, ठीक है, वन मतलब वन पर डाली फेंक फेंक कर बंदरों ने उपद्रव मचा रखा है वन में, ठीक है। डिस्ट्रॉय करना, रून करना, पूरी तरीके से बर्बाद करना। रिपेयर, असिस्ट या फिर मेंड आपके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम। यूसेज देख लीजिए, बहुत सही है। स्टेशंस हैव बीन वैंडलाइज्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है आपके सामने कैप्रीशियस, एक एडजेक्टिव की तरीके यूज होता है, इसका मतलब होता है क्वीर, मतलब मनमौजी। तो कुछ कुछ बच्चे बड़े मनमौजी होते हैं, आज दूध पी लो बच्चे, नहीं आज नहीं पियेंगे, आज ये करेंगे वो करेंगे, तमाम तरीके की चीजें होती है। कैप्री तो मतलब कि एकदम जाड़ा का टाइम है तब भी वो कैप्री पहन के घूमना मांग रहा है, मनमौजी है। प्रैंकिश है वो, है ना, वॉलाटाइल है कह सकते हैं, या फिर कॉशियस और थॉटफुल या सेंसिबल होता तो इस तरीके की बातें करता ही नहीं, तो कैप्रीशियस एंड ऑफन ब्रूटल एडमिनिस्ट्रेशन।
नेक्स्ट है आपके सामने यूटोपिया। यूटोपिया एक नाउन की तरीके यूज होता है, इसका मतलब है आपका हिवन, सुख शांति की जगह। ठीक है, कह सकते हैं यूटोपिया, कह सकते हैं ना मैं कश्मीर गया, मैं कश्मीर गया कहाँ, यू टू, ठीक है, शुड गो दैट प्लेस, दैट पीसफुल प्लेस। ठीक है, मैं तो कश्मीर गया था, यू टू शुड गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, अच्छा आइडियल, आइडियल वर्ल्ड कह सकते हैं, पैराडाइज कह सकते हैं, हेवन कह सकते हैं, तो सब यूज कर सकते हैं आप। हेल मतलब आपका नरक। ठीक है, यूसेज देख लीजिए, तो मिसप्लेस फेथ इन पॉलिटिकल यूटोपियाज हैज लेड टू रून। नेक्स्ट है आपके सामने रकस। रकस का मतलब होता है ऑटोक्री, सॉरी आउटक्राई, मतलब हंगामा करना, है ना। रिक्शा, तो पता है ना आपको, रिक्शे वाले आजकल बहुत हंगामा मचा रहे हैं, है ना, पता चला बोलेंगे 10 वहां पर जाएंगे, नहीं 15 होगा, आप बहुत अंदर तक ले आए, ये वो है। कोकोफानी, कैकोफेनी कह सकते हैं, कैकोफोनी। क्लैमर, ये आपके सिनोनिम के तरीके यूज हो जाएगा। क्लैमर का मतलब वैसे चीखना और चिल्लाना होता है। पीस और स्टेबिलिटी आपके एंटोनिम हो जाएंगे। तो अ चाइल्ड इज रेजिंग अ रकस इन क्लास। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके सामने प्यूरिटैनिकल। प्यूरिटैनिकल एक एडजेक्टिव के तरीके यूज होता है, इसका मतलब होता है मॉरलिस्ट, नैतिकवाद। पूरी मतलब कंप्लीट, और टैनिक मतलब हो गया नैतिक, है ना, कह सकते हैं पूरी नैतिक जिम्मेदारी के साथ, उन्होंने, उन्होंने होना चाहिए। उन्होंने काम किया, ठीक है। मॉरलिस्टिक वैल्यूज, वी हैव टू सिक्योर आवर मॉरलिस्टिक वैल्यूज, बचाकर रखनी चाहिए नैतिकवादिता। ठीक है, पेटिस्टिक कह सकते हैं, प्रमिसिव, प्रमिसिव, बोर्ड माइंडेड, ये ब्रॉड माइंडेड, ये आपके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। तो दिस प्यूरिटैनिकल parents saw any kind of pleasure as the road to damnation. Next है आपके सामने intractable. Intractable एक बार और पढ़ा चुका है मैंने, hard to control. असभ्य जो इंसान होते हैं उनको कभी आप जो कि ट्रैक नहीं कर सकते, जिनका ट्रैक ही ना किया जा सके वो तो आपके हाथ से बाहर हो गया ना। तो किसी का मोबाइल ट्रैक करना एक असभ्य बात होती है, सबसे पहली चीज। और वो लड़का जो हद से बाहर हो गया हो, जो असभ्य हो गया, उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अनसिविलाइज, स्टबर्न या फिर अनमैनेजेबल, ये आपके वर्ड्स हो जाएंगे सिनोनिम के तरीके। एंटोनिम देख सकते हैं आप, सिविलाइज या फिर मैनेजेबल। ठीक है, तो कह सकते हैं आप इंट्रैक्टेबल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने इनसरमाउंटेबल। इनसरमाउंटेबल का हो जाएगा, देखिएगा, डिफिकल्ट, कठिन काम। कीवर्ड देखिएगा, इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल। कैसे याद रखना है, देखो, इन सर को माउंटेन पे टेबल ले जाना है, बहुत कठिन काम करना है। ठीक है, होपलेस इंसान हो जाता है, हेरिकुलियन कह सकते हैं, या फिर इजी, सरमाउंटेबल, या फिर कॉन्क्यूरेबल, ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे। यूसेज देख लीजिए, तो एन इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आपके सामने ये सारे वर्ड्स माय डियर, जिसको आपको कभी भूलने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक और चीज बिल्कुल नहीं भूलना है, अमित 11। जिस तरीके से 11 नंबर की आपकी बस होती है पैदल चलना, ठीक है, उसी तरीके से अमित 11। ये कोड याद रखिएगा, जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले, बस सिर्फ ये कोड डाल दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फैंटास्टिक सेशन माय डियर। लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे इस पर्टिकुलर चैनल को, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।